किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 9 सितंबर की सीरीज़ के अंदर। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। साथियों, अपना बेशुमार प्यार लौटाइए। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, उसी हिसाब से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। हाल ही में सुपर बग्स द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने सी प्लान नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने सी प्लान नामक ऐप है जो लॉन्च की है। अगला, हाल ही में किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना के अंदर ये पहला मेगा फूड पार्क होगा। अगला, हाल ही में BS6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाला पहला भारतीय मूल का उपकरण निर्माता कौन बना है? अशोक लीलैंड। अगला प्रश्न, टेनिस में US ओपन 2019, ध्यान रखिएगा प्रश्न को, टेनिस में US ओपन 2019 महिला एकल के विजेता कौन रही है? तो बेलिंडा एंड्रीस्कू रही है ये। आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में एनुअल्स का जो पेपर आने वाला है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही। सरकारी स्कूलों से शिक्षकों की अनुपस्थिति पर काबू पाने के लिए किस राज्य में चेहरा पहचान आधारित बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? गुजरात के अंदर। चेहरा दिखाओ और उपस्थिति दर्ज कराओ। अगला, राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहा है? अपना अजमेर डिस्कॉम। आगे बढ़ते हैं। BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का निलंबन कब समाप्त किया है? इतने दिन निलंबित था अपना ये क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान का, अब निलंबन समाप्त कर दिया है 7 सितंबर 2019 को। शुक्रिया दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी नए वीडियो डालें उनकी भी सूचना मिलती रहे।